कायाकल्प में जिला चिकित्सालय चैत सिंह को मिला प्रदेश में 37वां रैंक। सीएम ने जताया आभार। नमस्कार, मैं अनीस अख्तर, आप देख रहे हैं अनीस अख्तर ऑफिशियल। ज्ञानपुर भारत शासन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किए गए वर्चुअल कायाकल्प अवार्ड समारोह में भदोही जनपद के जिला अस्पताल महाराजा चेत सिंह ने प्रदेश में 37वां रैंक हासिल किया है। अवार्ड मिलने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने कहा है, जिला चिकित्सालय चेत सिंह में मरीजों की सुविधाओं पर लगातार विशेष ध्यान दिया जाता है, जो जिला अस्पताल में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत का परिणाम है। बताते चले कि राज्य स्तरीय मूल्यांकन कमेटी ने 139 अस्पतालों का भौतिक निरीक्षण किया था। इस मूल्यांकन में 70 से अधिक अंक पाने वाले 121 अस्पतालों का फिर बाह्य मूल्यांकन कराया गया था, जिसमें 95 चिकित्सालयों को 70% से अधिक अंक मिला और उन्हीं अस्पतालों को कायाकल्प पुरस्कार के लिए चिन्हित किया गया। 92 अस्पतालों को 7वां पुरस्कार दिया गया है। प्रतिस्पर्धा आगे और बढ़े इसके लिए टॉप 3 चिकित्सालयों की पुरस्कार राशि में कटौती कर 80.9% अंक पाने वाले चिकित्सालय की पुरस्कार राशि बढ़ाई गई, जिससे जिला चिकित्सालय चेत सिंह ने 37वां रैंक हासिल कर गौरवान्वित किया है। ये पुरस्कार इन्फेक्शन कंट्रोल, बायोमेडिकल वेस्ट के उचित निष्पादन, स्वच्छ वातावरण को लेकर मिले हैं। इसका श्रेय जिला चिकित्सालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को जाता है। उन्होंने कहा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सीएमएस जिला अस्पताल ज्ञानपुर भदोही, और प्रदेश में कायाकल्प अवार्ड जो है, हमारी रैंक जो है 35वीं है, और इसका पूरा श्रेय हमारे हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर डॉक्टर सौम्य मिश्रा जी को जाता है, जो अथक प्रयास करके हमें सूचित बार बार करती रहती थी कि हमारे यहाँ ये कमी, हमारे यहाँ ये कमी है, और हमने कोशिश करके उसे पूरा करने किया, और जिसका परिणाम मुझे बड़ा सुखद मिला। हम उम्मीद करते हैं भविष्य में भी ये पुरस्कार, ये रैंक हमारी बढ़ती जाएगी। इसके लिए आप किसको बधाई देना चाहते हैं? सबसे पहले बधाई तो हम सौम्या जी को देना चाहते हैं, जो इतना ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्ट लिया, और साथ साथ हम अपने अस्पताल के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों का भी जो है धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने हम लोगों का सहयोग किया और हमारा अस्पताल ये गौरवान्वित क्षण के लिए प्रस्तुत।